सब्सक्राइब कीजिए वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को और सामने वाले घंटी के बटन को भी दबाइए और ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का वीडियो टॉपिक क्लास 9 सीबीएसई मैथ चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बाल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ बाल इफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले एक मेटलिक बाल बना लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, ये एक मेटलिक बाल बना लिया हमने और इसका जो डायमीटर है ये इसका सेंटर हो गया और ए, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ए भी हो गया इसका डायमीटर। तो इसका डायमीटर सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन डायमीटर हमको दिया हुआ है डी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर निकाल सकते हैं। आर इजिकल टू होता है डी बाई टू, आर इजिकल टू डी बाई टू। ठीक है, डी बाई टू इजिकल टू हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टू और ये हो गया 2.1 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आर। ठीक है, ये आपकी रेडियस आ गई, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये रेडियस आ गई। ठीक है, अभी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम वी इजकल टू, अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं बाल का। तो वॉल्यूम इजकल टू हो जाएगा 4y, मेटलिक बाल है, ठीक है, स्फेरिकल बाल है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3। y की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं और r आपका हो गया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 और ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी तो सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, आप काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 7 या 21.3 टाइम्स, ये 2.1 कट गया। ठीक है, और इसे 3 से फिर काट लेते हैं, 0.1 टाइम्स कट गया। ठीक है, 0.0, ठीक है, और राइट, और ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 8 यानी 88 इंटू 0.1। ठीक है, और इंटू 2.1 इंटू 2.1 और सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और ये हो जाएगा 8, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8.8 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.41। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38.808 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब डेंसिटी डी, डेंसिटी है होगी डी, डेंसिटी इजिकल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास जब हम निकालेंगे, मास इजिकल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, वॉल्यूम कितना है 38.808 क्यूबिक सेंटीमीटर और डेंसिटी कितनी है 8.9, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर से तो क्यूबिक सेंटीमीटर कट गया और ये हो गया आपका 38.808
पॉइंट 808 की मल्टीप्लाई कर दो सीधी, 8.9, और बच क्या गया था, ग्राम, ठीक है। और ये आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया आपका 3,45.3912। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इतने ग्राम। ये क्या आ गया, मास आ गया उस मेटलिक बाल का। थैंक यू। रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।